हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 59 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। हिमाचल की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि हिमाचल की सभी सीटें 7वें चरण में शामिल हैं। 999 मतदाता हैं। 8 राज्यों की 59 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए तैयारियां भी पुख्ता तरीके से कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं। हिमाचल का चुनावी रण की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। सुरक्षा कर्मियों की 47 कंपनियां तैनात की जाएंगी। प्रदेश पुलिस की 10,915 चुनाव ड्यूटी के लिए 9,200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश को 46 सेक्टरों में बांटा गया है। आपको बता दें चुनाव ड्यूटी में हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस तैनात किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलेश बोध हमसे जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ अपडेट है? कमलेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? कल चुनाव प्रचार जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, उसके बाद से ही जो चुनावी शोर हालांकि खत्म हो गया, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन हमने देखा कि जो प्रत्याशी थे उसके जो रिश्तेदार होते हैं या जो प्रचारक होते हैं घर घर जाते हैं। मैं आज की बात बता दूं, मैं इस समय मनाली स्कूल, जो मनाली विधानसभा क्षेत्र का जो है ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे इसका समय है। यहाँ पे आपको मेरे साथी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो जो मतदान केंद्रों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें कल ही रवाना कर दिया गया है और आज दिन भर वो वहां पे जाके अपनी पूरी सेटिंग करते हैं और आखिर में जो इसकी जाएगी कि सारे के सारे जो पोलिंग जो बूथ है वो तैयार है। तो अगर पूरे कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला में कुल 3,13,000 मतदाता हैं और साथ ही साथ मनाली की बात की जाए, मनाली विधानसभा की बात की जाए तो 72,000 मतदाता यहाँ पे हैं। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नया मतदाता इस बार जो है कुल्लू जिले, अगर चारों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए कुल्लू जिला के, तो यहाँ पे 11,000 नए मतदाता जो है कल अपना वोट कास्ट करेंगे। और हमारी बात भी हुई कुछ नए जो युवक है जो पहली बार जो वोट देने जो कल जाएंगे वो बहुत बहुत ही उत्सुक दिखे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक विधानसभा में 3 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जहाँ पे अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी और जो इसके अलावा जो है प्रत्येक जो जितने भी जो विधानसभा जो कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो इसमें से हर विधानसभा के 2-2 पोलिंग बूथ को जो मतदान महिलाओं द्वारा संचालित किया ताकि इसका जो मेन सब जो है ताकि महिलाओं के लिए जी बिल्कुल। यहाँ पर कमलेश, नए नए नवाचार करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं, जमीन पर मुद्दे क्या हैं कमलेश जो कि जनता को प्रभावित कर रहे हैं या फिर जनता जिनको देखते हुए वोट करेगी? देखिए मैं आपको पूरा चुनाव प्रचार जब से जो चरणों में कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है जो चुनाव जो सभी जो मुद्दे थे जो राष्ट्रवाद को लेके था, भाजपा की तरफ से हमेशा राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया गया, कांग्रेस की तरह भी इसी तरह का जो ये जो जो नेशनल मुद्दे थे। अगर मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो पिछले हमने चुनाव देखे हिमाचल की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे आ भी रहते थे, लेकिन इस बार के जो चुनाव है ये पूरा का पूरा जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे जो है लड़ा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। ताजा अपडेट पर नजर बना के रखिए। तो आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के चुनाव 19 मई
रविवार को होने हैं, जिसके लिए इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। लाहौल स्पीति विश्व का ऊंचा सबसे मतदान केंद्र टशीगंग, जहां पर मतदान होना है, इसके लिए भी चुनाव आयोग ने बहुत ही पुख्ता तरीके से तैयारियां की हैं, लोगों को वहां तक पहुंचाया जा सके और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंच सकें, लोगों को सुविधाएं मिल सकें, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। 999 ऐसे मतदाता हैं जो कि उम्रदराज हैं, यानी कि 100 का शतक अपनी उम्र में पूरा कर चुके हैं। 373 अति संवेदनशील बूथ भी हैं, 7730 पीठासीन अधिकारी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और 9 सामान्य पर्यवेक्षक, 5 व्यय पर्यवेक्षक और 2 पुलिस पर्यवेक्षक रहेंगे। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने कई कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण में हिमाचल की सभी चारों सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए जो शोर था वो थम चुका है और अब कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम की बारी आती है कि कितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की 47 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रदेश पुलिस की 10,915 पुलिसकर्मी तैनात है। उसी तरीके से चुनावी ड्यूटी पर 9,200 होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को 46 सेक्टरों में बांटा गया है। चुनाव ड्यूटी में हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस की तैनातगी की गई है। मतगणना के लिए हिमाचल प्रदेश ने 75 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। मतगणना के लिए प्रदेश के 25 IAS और 50 HAS तैनात किए गए हैं। मोबाइल ड्यूटी में 12 उपायुक्त, 13 पुलिस अधीक्षक, 32 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 121 उपमंडल अधिकारी भी मोबाइल यूनिट से जुड़ने वाले हैं। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़े इंतजामों के बीच में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। SSB और SISF के जवान भी तैनात रहने वाले हैं। ITBP की 2 जबकि RPF की 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। गुजरात के से 2 जबकि आंध्र प्रदेश की 3 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 5-5 कंपनियां तैनात की जाएंगी। ऊना से हमारे संवाददाता राजनपुरी जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ अपडेट है? चुनावी शोर थम चुका है, अब जमीन पर बात करें, पोलिंग स्टेशन की बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, क्योंकि कल चुनाव होने? पोलिंग पार्टियां कल से चुकी हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं। 1,250 के करीब जो है सैनिक व अर्धसैनिक बल व पुलिस जवान जो हैं वह पोलिंग स्टेशनों पर तैनात हैं। 112 कुल मतदान है, जिसमें से 54 जो है अति संवेदनशील है और 112 केंद्र जो है वो संवेदनशील है। 54 पर जो है अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं ताकि मतदान जो है सही तरीके से करवाया जा सके। जी बिल्कुल राजन, मतदान सही तरीके से कराया जा सके, ये कहीं ना कहीं जो है कोशिश रहने वाली है चुनाव आयोग की। अहम सवाल ये निकल करके आता है राजन कि अब सभी दलों ने अपने प्रचार प्रसार खत्म कर दिए हैं, शोर थम चुका है, ऐसे में जनता की तरफ से जो मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं शोर खत्म होने के बाद, उनके क्या अहम मुद्दे हैं, वो किसको ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो वोटर है वो चुप है, अब ये किस तरीके से किसकी ओर जाता है ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि कौन जीत हासिल करता है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि इस बार जो वोटर है वह चुप है। जी, ऊना क्षेत्र की बात करें राजन, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के जो कि उनको प्रभावित करते हैं और जिन पर राजनीतिक दलों द्वारा लगातार चोट करने की कोशिश की गई? ऊना क्षेत्र की बात करें तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे रेलवे को लेकर और अस्पताल को लेकर जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो है वो वोटर बात कर रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा अपडेट पर नज़र बना करके रखिए। तो चुनाव आयोग लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है काम में। कल
चुनाव होने हैं, आखिरी चरण के सातवें चरण में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर चुनाव होने हैं। आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पोलिंग बूथों पर इनके तीन तीन एजेंट तैनात किए जाएंगे। लाहौल स्पीति की बात करें तो लंगर मतदान केंद्र पर के लिए भी, इस पर भी सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टशीगंग, जिसके लिए भी चुनाव आयोग ने कमर कसी है और सारे इंतजाम पुख्ता तरीके से पूरे किए हैं। तो आपको बता दें कि 2014 के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कांगड़ा सीट की बात, चार सीटें हैं, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, ये चार सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। 2014 के अगर आंकड़ों पर जिक्र डाला जाए, नजर डाली जाए माफ कीजिएगा, तो प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से शांता कुमार थे और कांग्रेस की तरफ से चंदन कुमार कांगड़ा सीट से खड़े थे, जिनको वोटों का जब प्रतिशत की बात कर लें तो 4,53,163 मत प्राप्त हुए थे इनको। और फिलहाल चंदन कुमार इस सीट से हार गए थे। इसी तरीके से मंडी में रामस्वरूप शर्मा खड़े थे बीजेपी की तरफ से, प्रतिभा सिंह थी कांग्रेस की तरफ से। शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है शिमला की, क्या हाल है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और अब ऐसे में चुनाव आयोग की बारी आती है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के जो हैं पुख्ता इंतजाम हैं और इसको लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो शुरू से ही कहते रहे हैं कि चुनावों में किसी भी तरह की कोई भी अवहेलना जो है वो किसी भी दोनों पार्टियों की तरफ से बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि बदजुबानी जो है वो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की तरफ से जो है वो सामने आई। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रैलियां जो हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हुए चाहे वो बीजेपी की तरफ से, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है वो यहाँ पर कसे गए हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतपाल सिंह सत्ती, उनकी भी बदजुबानी के कई ऐसे मामले हैं जिस पर संज्ञान जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी लिया। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनकी जिनके बयानों पर जो है संज्ञान यहाँ पर चुनाव आयोग ने लिया है। तो ऐसे में कई तरह के मामले हैं, कई तरह से उनको निपटाया गया, लेकिन अब फिलहाल जो है चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और आज का दिन थोड़ा सा संयम बरतने का है। आज जो है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, घर पे वेट कर रहे हैं कि अब मतदान जो है वो होना है। कल का दिन रहेगा और कल जो है वो लोग घरों से निकलेंगे और काफ़ी जागरूकता जो है वो लोगों में की गई है, इसका दावा जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें हैं और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र जोशी, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के ब्यूरो चीफ हैं हिमाचल के। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। आप किस तरह से देखते हैं जोशी जी, आप इन चीजों को कि चुनाव आयोग की क्या तैयारियां रही और किस तरह से कैंपेन चला, क्योंकि छह चरण का चुनाव जो है वो हो चुका है, सातवें चरण का जो है वो होना है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश को चुनाव कैंपेन के लिए यहाँ पर मिला है, तो किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस पूरे कार्यकाल को जो चुनावी जो ये चला है? देखिए, जो सातवें और अंतिम दौर का चुनाव होना है हिमाचल को, उसमें रखा गया था कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी पड़ी हुई थी, तो इसलिए यहाँ के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का भी ज़्यादा मौका मिला और चुनाव आयोग के निर्देश पर जो स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, जो स्टेट इलेक्शन ऑफिस है, उसको भी तैयारियाँ करने का पूरा मौका मिला और तैयारियां पूरी हैं। हिमाचल वैसे भी अमन अमान वाला प्रदेश है, शांति वाला प्रदेश है, यहाँ आमतौर पर हिंसा नहीं होती, फिर भी कहीं कुछ हॉट सीट हैं, जैसे आपको पता है मंडी हॉट सीट है, हमीरपुर हॉट सीट है, तो वहाँ कहीं आपस में कोई खींचता ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। देखिए, यहाँ की जो हिमाचल पुलिस है वो तो 20,000 के करीब उनके आदमी हैं, इसके अलावा 47 कंपनियाँ जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की भी बुलाई गई हैं और ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई हिंसा की वारदात होगी। हाँ, कोई नोकझोंक जरूर हो सकती है, क्योंकि इस बार प्रचार के दौरान जैसे अभी आप बता रहे थे, बदजुबानी जो है वो हर किसी के मुंह पे थोड़ी बहुत रही है और तो और बाहर जो से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने आए उनके मुंह से भी कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे और कांग्रेस के नेता अय्यर साहब तो पत्रकार को गाली तक निकाल गए इस दौरान। तो ये सारा माहौल अगर प्रचार की बात करें तो ये रहा चुनाव के दौरान। शीर्ष नेतृत्व है, इन्होंने जो मंच से जनसभाओं में रैलियों में जिस तरह से बयान दिए, इनका क्या कोई असर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अब चुनाव हैं, लोग समझदार हैं, वो कहा जा रहा है वोटर जागरूक हैं और युवा मतदाता जो है इस बार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, करीब 1.5 लाख से ऊपर, 1,52,000 के आसपास है, तो
किस तरह से देखते हैं, क्या कोई असर छोड़ पाए हैं? मुद्दे कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दों से भटक गई है, आप किस तरह से देखते हैं इन पूरे बयानों को? देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, चाहे वो सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी कांग्रेस, क्योंकि यहाँ हालांकि 45 प्रत्याशी खड़े हैं लेकिन मुख्य मुकाबला आपको पता है कि हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच ही है। यहाँ तक ये बात है कि युवा मतदाता हैं, बिल्कुल वो अहम भूमिका निभाएंगे, 150 से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और कुल 53 लाख जो से ज़्यादा वोटरों में 1.5 लाख वोटर जो नए मतदाता हैं वो बिल्कुल इसका निर्णय करेंगे। जहाँ तक बदजुबानी की बात है वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत असर जरूर डालेगी। हालांकि सत्ती जो हैं भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, उनके मुंह से जो बात निकली थी उसके लिए 48 घंटे के लिए रोक भी लगाई गई थी। उनका यह कहना था कि ये जो मैं खुद नहीं बोला था, ये कोई सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा था, वो मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा था कि इसको आगे मत करना। साथ ही उन्होंने अपनी बात को ये भी ठहराया था कि अगर दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय नेता हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को चोर कह सकते हैं, तो हम उसके अगर वो कुछ कहेंगे तो हम भी कुछ आगे कहेंगे। कहने के मतलब हर आदमी जो बदजुबानी जो नेता करता गया वो अपने आप को दोषी नहीं, सामने वाले को दोषी ठहराता गया। कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिल पर इस बात का असर थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा तो नहीं। देखिए जोशी जी, अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि एक तरफ बीजेपी की बात करें तो बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बदजुबानी हुई और उस पर माफ़ी भी मांगी गई। कल मुख्यमंत्री से जनता टीवी की बात हुई, जनता टीवी पर साफ ऐलान किया उन्होंने कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अब सत्ती ने माफ़ी भी मांग ली है, जो बयान उन्होंने जिस तरह से बदजुबानी हुई। लेकिन राहुल गांधी ने कई बार मंच के माध्यम से ही ये कहा कि जनता का मूड कैसा है, चौकीदार के ऊपर जो जिस तरह से टिप्पणी की गई, मोदी के ऊपर टिप्पणी की गई, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, किस तरह से आप देखते हैं कि माफ़ी मांगने के बाद जनता का मूड कुछ चेंज हो सकता है? देखिए, अगर कहीं इंसान गलती का पुतला, अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसमें क्षमा मांगना एक बड़प्पन और एक नम्रता का सबूत ही है। साथ ही इसका असर वही मैं कह रहा हूँ कि भी अब क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी बातें हुई हैं और राहुल गांधी की तरफ से अगर वो चौकीदार चोर कहते थे तो राफेल मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में जो भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने एक रिट डाली थी उसमें राफेल के निर्णय से जुड़ी बात पे उन्होंने माफी मांगी और उनका ये कहना था कांग्रेस का, उन्होंने चौकीदार चोर पे माफी नहीं मांगी। वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद चौकीदार चोर का जो नारा लगाते रहे, इवन जो कल उनकी सोलन में अंतिम रैली थी, प्रचार के अंतिम दिन भी रैली हुई उसमें भी उन्होंने ये नारे लगाए और तो और उन्होंने अंतिम दिन यहां तक आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पर कि नोटबंदी लागू करने से पहले उन्होंने पूरी कैबिनेट को रेस कोर्स एरिया में एक कमरे में बंद कर दिया था। अगर मतलब ये बहुत बड़ा आरोप था कि ये इस प्रचार के दौरान कई तरीके की बातें आईं, जैसे कांग्रेस ने ये कहा कि हम जो देशद्रोह विरोधी कानून है इसको खत्म कर देंगे अपने चुनाव मैनिफेस्टो में। वहीं जब राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री प्रचार करने के लिए पालमपुर आए तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो हम इस सेडिशन लॉ को, देशद्रोह विरोधी कानून को और सख्त करेंगे। और लोकल मुद्दे भी उभरे, आपको पता ही है कि सेब का मुद्दा जो है, सेब पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मुद्दा, ये इस तरीके के कई मुद्दे विकास ही उभरे। मैं कई तरह के सवाल जो है मेरे जहन में है लेकिन सबसे मुख्य सवाल यही है कि जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, दोनों ही पार्टियां, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहा चुनावी मैदान में, जो है कई तरह की तीखे हमले जो है वो दोनों पार्टियों ने की, लेकिन जनता क्या चाहती है? आपने कवर किया है, बड़ी रैलियों को कवर किया आपने, आपने रिपोर्टिंग की है, किस तरह से आप देख रहे हैं अब मुद्दे जनता के बीच में हैं, अब जनता के बीच में प्रचार भी है, जिस तरह से अपनी पैठ जो है वो दोनों ही पार्टियां बना पाई हैं, क्या देखते हैं आप, जनता को क्या चाहिए और किन मुद्दों के आधार पर जो है वोटिंग होगी? देखिए, जनता से हमने बात की तो जनता जो अंदर खाते जो है कहीं ना कहीं ये चाहती है कि एक सशक्त सरकार जो है आनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जनता के सामने था, वो भी है, अभी भी है उनके मन में। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा है क्योंकि आपको पता है कि जो निचला हिमाचल है, खासतौर पर हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, यहाँ लगभग हर घर में से एक ना एक आदमी सेना में है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक मुद्दा है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं और अगर मंडी की बात करें तो मंडी में तो पूरे मुख्यमंत्री हमारे नए जहां बने हैं 1.25 साल से, जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, उनके राष्ट्रीय लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री चुना जाना है उसके बाद, तो वो उसके साथ साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर, उनकी प्रतिष्ठा भी इसलिए दांव पर है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई भी चुनाव यहाँ हो रहा है बड़ा, तो पूरे प्रदेश में वो पहले की तरह चार की चार सीट भाजपा ले पाती है या नहीं ले पाती,
इसका तो है ही है। और मंडी उनका जो गृह क्षेत्र है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उनकी इज्जत इसलिए भी दाव पर है कि जो मंत्री थे इनकी कैबिनेट में अनिल शर्मा, उनका बेटा आशीष शर्मा इनसे टिकट मांगता था, इन्होंने टिकट नहीं दी, वो कांग्रेस से आ गया। तो अब जो सिटिंग के एमपी हैं रामस्वरूप शर्मा, वो खड़े हैं, उनकी जीत अच्छे मार्जिन से सुनिश्चित करना है। ये मुख्यमंत्री कहते रहे हैं चुनाव परिणाम क्या आते हैं, वहाँ इनकी इनके साथ साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री टेलीकॉम मिनिस्टर हैं सुखराम, जो उनके पोता क्योंकि खड़ा है तो उनकी इज्जत भी दाव पर है। और अनिल शर्मा की बड़ी अजीब सी परिस्थिति रही, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी वो भाजपा के एमएलए हैं, जबकि उनका बेटा जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। ये बड़ी अजीब गरीब स्थिति है, ये मंडी सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। राजनीतिक समीकरण तो मंडी में हिल गए इस बार। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए कि क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर हाल और क्या कुछ है जनता के मुद्दे। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, वक्त है छोटे से विराम का। विराम के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत और चुनाव का मतलब है जनता टीवी।